नमस्कार, मी नामदेव कांबळे, जे एम ए न्यूज बुलेटिन मध्ये आपले स्वागत आहे। आपण पाहत आहात जे एम ए न्यूज बातमीपत्रात। सर्वप्रथम आपण पाहणार आहोत हेडलाईन्स। दापोली शिवसेना शाखा ताब्यात घेण्यावरून राडा, शिंदे ठाकरे समर्थक आमने सामने। निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात कोर्टात जाणार उद्धव ठाकरे। गल्ली ते दिल्ली साजरी होणार शिवजयंती, शिवभक्तांसाठी शिंदे फडणवीस सरकारचा प्लॅन। जनता सुद्धा निवडणुकीची वाट पाहते, अजित पवारांचा फडणवीसांना कडक इशारा। मराठा समाज पुन्हा रस्त्यावर उतरणार, थेट मंत्रालयावर धडकणार लॉंग मार्च। बीएमसीएल विभाग राजकीय दबावाखाली नतमस्तक। भारत कोल कंपाउंड इंडस्ट्रीयलला झोनला बीएमसीची बेकायदेशीर नोटीस। 1961 चे पुरावे असूनही पूर्ण इंडस्ट्रीजच बेकायदेशीर ठरवून दिल्या नोटीसा। बृहन्मुंबई महानगरपालिका सत्ताधारी राजकीय पुढाऱ्याच्या दबावाखाली काम करीत असल्याचा आरोप माननीय नसीम खान यांनी केला। यावेळी बोलताना नसीम खान यांनी इंडस्ट्रीयल, हुनर व मजूर यांना दिलासा देत म्हणाले, वेळ प्रसंगी अधिवेशनात मुद्दा उचलून लक्षवेधी करण्याचे आश्वासन देण्यात आले, त्यामुळे तुर्तास तरी रोजंदारीवर काम करणाऱ्या मजुरांना व इंडस्ट्रीयल हुनरना दिलासा मिळाला आहे। भारत कोल कंपाउंड बचाओ इश्यू को देखते हुए आज कहीं ना कहीं जो नसीम खान जी के द्वारा रखा गया यहाँ पर एक भव्य मतलब जो आंदोलन और उसके साथ साथ इस भारत कंपाउंड को बचाने के लिए सारे के सारे मजदूर वर्ग और साथ ही उन्हीं के साथ साथ सारे जो कार्यकर्ता है वो सभी यहाँ उपस्थित है। मैं कुछ मजदूर है जो आज काफ़ी वर्षों से यहीं पर काम करते हैं, आप इस वक्त देख सकते हैं। एक मेरे समक्ष वरिष्ठ महिला यहाँ पर बैठी हुए, जी क्या नाम है आपका? सुनंदा उम्बरकर। सुनंदा जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, कितने वर्षों से काम कर रही हैं यहाँ पर? 10 साल से काम कर रहे हैं। आज यहाँ पर आने का आपका क्या कारण है? यहाँ पर आने का क्या कारण है? इकड़े कसा साड़ी आले तुम्हें? कमजोरी रहता है अपना, काम नहीं रहता, गरीब लोग हैं हम लोग, तो काम तो करना जरूरी है ना। हाँ, तो काम धंधा नहीं, तो अभी क्या काम कर रही है फिलहाल आप? मार्किंग करता है, जहाज में मार्किंग करता है। जहाज में मार्किंग करते हैं, तो आज कहीं ना कहीं मतलब ये जो आपका गारमेंट है ये आपको डूबता हुआ नजर आ रहा है, जो जिसके लिए आज यहाँ पर आंदोलन करना पड़ा है? हम लोग को काम चाहिए। हाँ, ये सब लोग इधर का पब्लिक है तो काम करने के लिए आए ना। हाँ, इतना जो उनका नुकसान होगा तो क्या खाएगा गरीब लोग। मतलब इसी तरीके से जो आज कई वर्षों से यहाँ पर काम करने वाले जो महिलाएं हैं, आज करीब 7 वर्षों से यह भारत कोल कंपाउंड जो है इस अपने जगह पर उपस्थित रहकर काफी लोगों को रोजगार देने का काम किया है। कहीं ना कहीं मुंबई में वैसे तो अगर देखेंगे तो आज बड़ी बड़ी कंपनियां जो है यहाँ से जा चुकी है, पर आज कहीं ना कहीं चलते आज मुंबई शहर से छोटे छोटे काम धंधे को भी उठाने का प्रयास चल रहा है, जिसके लिए आज नसीम खान जी ने यहाँ पर आवाज उठाने का प्रयास शुरू किया है। और भी काफी सारी महिला यहाँ पर उपस्थित है, मैं उनसे भी कुछ जानने का प्रयास करूंगा। क्या नाम है आपका? जमीला। 2 मिनट खड़ोगे? क्या नाम है आपका? जमीला खान। यहाँ आने का क्या कारण है आपका? अभी आने का ये कारण है कि हम इतने सालों से काम कर रहे हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारी लाइफ है, हमारे बच्चों लोग की लाइफ बनाना है। अगर ये टूटेगा तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे, हमारे पढ़ाई है, हमारे बच्चों लोग के कुछ पढ़ाई लिखाई, कुछ बनना बनाना कुछ है, तो हम कैसा हम करेंगे? हमारे हम इतने वो नहीं है, आदमी लोग की भी तनख्वाह नहीं है। हर हम लोग 22-23 साल से यही काम कर रहे हैं, मगर हमको तो 25 साल हो गया। क्या काम करती हैं फिलहाल? मैं कांच मारती हूँ और मैं यहीं से काम करके अपने लड़के और बच्चों लोग की लाइफ बनाई हूँ। आज हमारे बच्चे हमारे काम करने की वजह से हमारे बच्चों की लाइफ, आज नर्स है, वो लड़का इंजीनियर है, यही काम करके अभी हमारे बदले हमारे पीछे जो लोग है वो भी तो काम करके अपने बच्चों लोग की लाइफ बनाना चाहते हैं। हाँ, अब हमारे पोता है, हमारे पोते है, कुछ बनेंगे उनका बने, अगर ये कंपनी ना रहेगी तो हम कहाँ जाएंगे? इतना हमारे जो आदमी लोग की उतनी पगार नहीं है जो हिसाब से, तो औरत लोग मदद करती है अपनी आदमी लोग की कि हमारे बच्चों लोग की वो कुछ परवरिश अच्छी हो। अच्छा, जैसे तो जैसे कहा गया कि आज मतलब इसे मतलब तोड़ने का जो कारण निकल रहा है, जो लोग बोल रहे हैं कि आज ये भारत कंपाउंड जो है खत्म होने वाला है। हाँ। कहाँ से संदेश मिला, किसने कहा आपसे? अब हम यही 25 साल से काम करते हैं, हमें यही हमसे यही से पता चला है कि ये टूटने वाला है करके, तब से हमें हम लोग को बहुत टेंशन है।
बहरहाल तो जो जो लोग हैं जो मतलब यहाँ पर जो रोजगार करते हैं उनको मतलब जो इस विषय में ज्यादा जानकारी ना होने के कारण जो मैं कुछ जो वरिष्ठ माध्यम के लोग हैं मैं उनसे कुछ जानने का प्रयास करूंगा आखिर इसका क्या कारण है। 1960 के पहले से बसा हुआ है यहाँ पर महानगर पालिका का असेसमेंट 60 से पहले से यहाँ के लोग जो उद्योजक हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चलाने वाले लोग हैं छोटे मोटे कारखाने चलाने वाले लोग हैं महानगर पालिका को टैक्स देते हैं परमिट इनके पास है फैक्ट्री डिपार्टमेंट का लाइसेंस इनके पास है लाइसेंस डिपार्टमेंट के लाइसेंस है गवर्नमेंट का डेवलपमेंट प्लान में महानगर पालिका के डेवलपमेंट प्लान में ये I3 जोन डिक्लेयर किया गया है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री करके यहाँ पर DP में रिजर्वेशन है और लगभग 8 से 10 हज़ार कामगार अगल बगल के लोग यहाँ पर उनको रोजगार मिलता है। आज अचानक कोई एक बिल्डर उठता है और यहाँ के राजनेता जो हैं विरोधी पक्ष के ये सारे लोगों से साठगांठ करता है और अचानक महानगर पालिका पे दबाव डालकर सबको नोटिस इशू करवाता है कि तुम्हारा गाला अनऑथराइज है कि ऑथराइज है प्रूव करो नहीं तो हम डेमोलिशन करेंगे। तो आज 8 से 10 हज़ार लोगों को जो रोजगार मिलता है सारे लोग बेचैन हैं डरे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोग जमा हैं किस तरह से लोगों ने अपनी बातें यहाँ पर रखी हैं डरे हुए हैं घबराए हुए हैं कि उनके रोजी रोजगार छीन जाएगा। जो उद्योग चलाने वाले लोग हैं छोटे मोटे वो उद्योजक डरे हुए हैं कि पिछले 60-70-80 साल से हम लोग हमारी बाप दादा के ज़माने से यहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी काम कर रहे हैं व्यवसाय कर रहे हैं हमारा वो बंद हो जाएगा। तो इसका हम लोग विरोध करेंगे डट के विरोध करेंगे। इस तरह से राजनीतिक दबाव डालकर और बिल्डर से साठगांठ करके महानगर पालिका के अधिकारियों पर दबाव डालकर अगर गलत तरीके से नियम गलत तरीके से कार्रवाई की जाएगी तो उसका हम लोग डट के विरोध करेंगे। नसीम भाई हमने देखा है कि यहाँ पर तकरीबन कुछ ऐसी महिला हमने बात की है कि जो तकरीबन अपनी उस अवसर के लिए जो रिटायरमेंट की होती है उन्होंने ये भी कहा कि हमारे सेहत बड़े अच्छे हैं यहाँ सब कुछ अच्छा रहा लेकिन अगर ये सवाल उनके सामने खड़ा होता है आज उनके सामने एक भुखमरी की एक समस्या खड़ी हो जाएगी। सर आपने देखा है और महाराष्ट्र के अंदर जैसा आपने खुद कहा है कि उद्योग बाहर जा रहे हैं गुजरात जा रहे हैं तो सर इसमें कांग्रेस की पार्टी का खासकर नसीब खान की क्या भूमिका रहेगी? देखिए सवाल हम यहाँ पर राजनीतिक हैसियत से नहीं आए बल्कि ये हमारे इलाके के लोग हैं एक पारिवारिक नाता रिश्ता लोगों के साथ है। वो बेघर हों उनके रोजी रोजगार छूट जाएं उनके जो यहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चलाने वाले छोटे मोटे कारोबारी हैं उनका व्यवसाय बंद हो जाए ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनको न्याय दिलाने की मजबूती के साथ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। महानगरपालिका हो निश्चितपणे दबावखाली तुम्ही बघा ना महानगरपालिकेचा नियम आहे 1962 चे पूर्वीचे जेवढे स्ट्रक्चर आहे सगळे अनऑथराइज ऑथराइज आहेत आणि हे 1962 च्या पूर्वीचा यांच्याकडे असेसमेंट टेक्स्ट ची कॉपी आहे टेक्स भरतात महानगरपालिकेला ऑथराइज आहे म्हणून महानगरपालिकेने त्यांना परमिट दिलेली आहे कारखाना चालवण्यासाठी लायसन्स डिपार्टमेंटने लायसन्स दिलेला आहे। आणि आज अचानक 70 वर्ष नंतर अचानक अशी काय घटना घडली डेव्हलपमेंट प्लान मध्ये I3 झोन आहे कुठलाही नियमाचा उल्लंघन नसतानाही महानगरपालिका राजकीय दबावाखाली बिल्डरला मदत करण्यासाठी स्थानीय राजनीतिक नेत्यांच्या दबावाखाली संगमत करून ह्या लोकांना बेघर करण्याचं काम करत आहे। काँग्रेस पक्ष आणि नसीम खान हा कधी सहन करणार नाही। 8 ते 10 हज़ार आमचे कामगार आहेत आज या आजूबाजूच्या परिसरात राहणारे लोकांना इथे रोजगार मिळतोय लोक 30-30 वर्ष 35-35 वर्ष 40-40 वर्षापासून काम करतायत इथे सगळ्यांची मागणी आहे की आम्हाला संरक्षण मिळायला पाहिजे म्हणून आज एवढे लोक आलेले आहेत तुम्ही बघून घ्या जरा तुमचा रोल हे दाखवा सगळीकडे शूटिंग करा बघा किती लोक जमलेले आहेत कशासाठी आलेले आहेत लोक न्याय हक्कासाठी लोक इथे जमा झालेले आहे की आम्हाला न्याय मिळाला पाहिजे आणि यांच्यावर कोणी अन्याय करत असेल तर आम्ही आणि काँग्रेस पक्ष हा सहन करणार नाही। आने वाले असेंबली में क्या पर्टिकुलर एरिया की आवाज उठाएंगे काँग्रेस पार्टी के और से और खास करके पिछले टाइम हमने देखा था कि आपका एक वीडियो वायरल हुआ था BMC के अगेंस्ट में क्या उसी धाकड़ अंदाज में भी इसका काम होगा? देखिए सवाल धाकड़पने का नहीं है सवाल लोकतांत्रिक अधिकार है ये हमारा गैर कानूनी तरीके से अगर कोई इस तरह से कार्रवाई करेगा तो कैसे लोग सहन करेंगे। देश का लोकतंत्र है कि नहीं है संविधान है कि नहीं देश में देश संविधान से चलता है चाहे राज्य की सरकार हो चाहे महानगर पालिका हो
महानगर पालिका को संविधान के मुताबिक काम करना चाहिए। उनको अगर उनके पास कोई तकरार आई है, कंप्लेंट आई है, शिकायत आई है, तो सबसे पहले उसकी छानबीन करना चाहिए, उसके बाद नोटिस इश्यू करना चाहिए। 1960 के पहले के स्ट्रक्चर को अचानक नोटिस देना और ये कहना कि तुम अपना कागज पत्र दो, कागज पत्र तो महानगर पालिका के पास ही है क्योंकि असेसमेंट टैक्स वो लेती है, उसको पता है। फैक्ट्री डिपार्टमेंट उनके अंडर में आता है, वो परमिट देते हैं, उनको पता है। लाइसेंस डिपार्टमेंट उनका है, उनको पता है कि अथोराइज स्ट्रक्चर है। परमिट लाइसेंस व्यवसाय करने का परमिशन महानगर पालिका देती है, उनको ये पता होने के बावजूद 351 का नोटिस देकर लोगों में दहशत पैदा करने का काम और बिल्डर और राजकीय नेताओं को फायदा पहुंचाने के लिए ये सारी की गई कार्रवाई है, इसका हम लोग डट के विरोध करेंगे। सर, आपको विरोधी पक्ष में रहने के बावजूद भी भारत कोल कंपाउंड के उद्योगों आप पे विश्वास जताया है, तकरीबन 8000 परिवार को रोजगार का मसला खड़ा है, सर इसको क्या विश्वास दिलाए जाएंगे? मैं पूरा विश्वास, इनके लिए पूरी लड़ाई लड़ी जाएगी, संविधानिक जो अधिकार है उस अधिकार का हम लोग उपयोग करेंगे। कांग्रेस पार्टी के विधायक, कांग्रेस के नेता आने वाली असेंबली में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएंगे। जिस तरह से बिल्डर और यहाँ का स्थानीय नेता मिलकर लोगों को उजाड़ने की कोशिश कर रहा है, उद्योग धंधे को तबाह करने की कोशिश कर रहा है, 8 से 10 हजार लोगों को रोजी रोजगार जो है वो छीनने की कोशिश हो रही है, उसकी आवाज महाराष्ट्र की असेंबली में आने वाले सेशन में गूंजेगी, ये मैं बताना चाहता हूँ। जी सेठी साहब, आज भारत कोल कंपाउंड में पूर्व मंत्री, पूर्व आमदार मोहम्मद अली नसीब खान और साथ ही साथ में बड़ी संख्या पे यहाँ पर जो लेबर थे आज यहाँ पर इकट्ठा हुए, सभी लोगों ने दुख जताया, क्या पूरा मामला है, इस पर जरा रोशनी डालेंगे आप? ऐसा है, हम लोग ये जो इंडस्ट्रियल एस्टेट है करीबन 1958-57 की इंडस्ट्रियल एस्टेट था, तो हम लोग इसमें इंडस्ट्री चलाते रहता था, उसमें हमारा पास बाकायदा 1961 से हम लोग टैक्स भर रहे बीएमसी को, 1961 से बीएससी करता था, यूनिट हम लोग चलाता था, वर्कर करता था, बाद में 1991 में हम लोग इसको रिपेयर, जैसे पानी भर रहा था खड्डा था, हम लोग उसको बीएमसी में जाके परमिशन मांगा। उस टाइम में हमारा इधर वार्ड इसमें था, डीएमसी था, मिस्टर केरनार बोल के, तो हम लोग केरनार साहब के पास चले गए, साहब ऐसे ऐसे हम लोग इंडस्ट्री चलता है तो हम लोग थोड़ा उसको ऊंचा करना है, तो केरनार साहब ने हम लोग बोला आप लोग इमिडिएटली कर दो, आपको बारिश के टाइम में प्रॉब्लम नहीं आना मानता बोल के हम लोग रिपेयरिंग परमिशन दिया। हम लोग रिपेयरिंग परमिशन करके करता था, काम कर रहा था, इंडस्ट्री चलता था। लास्ट ये जो कंपाउंड का थोड़ा दिन से हम लोग उधर रोज बीएमसी वाला ऑफिसर आने का, वो देने का, ये देखने का, अंदर घुसने का, हम केस करेगा, वो करने का, थोड़ा टाइम आधा घंटे बाद में आएगा असेसमेंट वाला आने का, असेसमेंट वाला हमारा असेसमेंट हम लोग भरते हैं सही है चले जाएगा, फिर 15 मिनट के बाद में आएगा वो परमिट वाला आने का, फिर 2 दिन के बाद में देखेगा तो वो लाइसेंस वाला आने का, वो आके बोलेगा हम तुम क्या करते, हम बोले सब हम लोग क्रिमिनल तो आए नहीं, हम लोग इंडस्ट्री चलाते हैं, नहीं नहीं हमको ऊपर से प्रेशर है, ऑफिसर को जिससे भी बात करता है तो हम लोग पर्सनल साहब हम लोग कौन सा गुनाह किया, हम लोग इन्हें गलत कर रहे हैं, नहीं नहीं हमको ऊपर से प्रेशर है, यही उन लोग सुनता है। बताएं उन्होंने प्रेशर किसका है? प्रेशर वो तो लोकल नाम नहीं लेते, वो बोलते हैं कि लोकल लीडर है और बिल्डर का प्रेशर है और उसकी वजह से जो इंडस्ट्री 30 साल से लीगली यहाँ पे चल रही थी और उतने वर्कर्स वहाँ पे 3 से 4-5 हजार वर्कर रेगुलरली काम कर रहे थे, हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि अचानक साल भर में कैसे वो इलीगल हो गई, कैसे वो स्ट्रक्चर सारे इलीगल हो गए और कैसे उन लोग का थ्रेट आने लगा कि अब हम ये पूरा स्ट्रक्चर इसको डिमोलिश करके फ्लैट कर देंगे। तो हम लोगों ने जब खोजबीन की तो पता चला कि कोई एक बिल्डर ने, जो हम लोग के टेनेंट राइट है यहाँ पे, जो मेन ओनर है वो यूएसए में रहते थे, उनकी डेथ हो गई, उससे उन्होंने वो बिल्डिंग कुछ दिन पहले ही मेरे ख्याल से पूरा राइट्स उन्होंने कैसे खरीद लिए वो अपने मालूम नहीं, और वो हमें मालूम नहीं कि उसके पेपर क्या हैं कैसे हैं, लेकिन अब उसकी वजह से उनका यह है कि भाई हम ये पूरी बिल्डिंग और ये पूरा एरिया खाली करा के और आप लोग को यहाँ से हटाने वाले। अगर आप इंसानियत के नाते से देखें तो इतने वर्कर जहाँ पे 3000 लोगों को रोजी रोजगार मिल रहा है और घर के बगल में वो इज्जत से रह के अपना कामकाज कर रहे हैं, हमें ये नहीं समझ में आता कि कोई आदमी कैसे सोच सकता है जो पॉलिटिकल लीडर है कि इतने लोगों को उजाड़ के और वो किसी एक आदमी को फायदा पहुंचा दे, किसी एक बिल्डर को। महानगर पालिका ने जस्ट हालांकि ने जार निकाला था 2000 के जो भी स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर को सरकार संरक्षण दे रही है, लेकिन आप इतना जूना एविडेंस आप दिखा रहे हैं 1965 का,
तो ये इलीगल कैसे स्ट्रक्चर हो गया उसमें? नहीं, वो महानगर पालिका वाले ने क्या बोलता है, हम बोला सबको ऐसा करता है तो वो बोला हम लोग 100 फुट का जगह बना के देता है, हम लोग 2000 के जो जीआर है वो 200 फुट का पैक बना के देंगे वो रोड वाले को, घर वाले को, इंडस्ट्रीज वाले को नहीं है। अब वो ऑफिसर ऐसा बोलता है, यहाँ जितने भी कानून बनते हैं उसमें कुछ ना कुछ लूपहोल होता है, कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होती है जो हमसे ज्यादा बीएमसी और महापालिका को मालूम होता है और उसका वो फायदा उठा के हमें थ्रेटन करते हैं कि भाई आप यहाँ सही है लेकिन इधर तो गलत है ना थोड़ा, तो हम इसको तोड़ देंगे। लेकिन ये पूरा एरिया जो है ये हैवी इंडस्ट्रियल जोन है। अब उन्हीं ने कहा कि भाई ये आपका एयरपोर्ट के नजदीक है, इसके लिए हमें ऑर्डर मिला है कि जितने एयरपोर्ट के नजदीक इलीगल है वो तोड़ देंगे, लेकिन जो इंडस्ट्रियल जोन लीगल है हम लोग जो लीगली अभी भी सिटी प्लानिंग में इंडस्ट्रियल जोन के नाम पे है वो कैसे इलीगल हो गई जगह? ऐसा है तो अभी हम लोग अभी दिसंबर 12 को वो नोटिस ने भेजा 351, इसका सामने हम लोग बीएमसी के पास गया। नहीं, इसमें एक चीज और, 351 का जो नोटिस भेजा है उसमें बोला है कि जितने स्ट्रक्चर हैं टोटली इलीगल है, मतलब उसमें ये नहीं कि एक पोर्शन इलीगल है छोटा सा, ये ऐसा नहीं है। नहीं, इसमें टोटल इलीगल, इसमें क्लियरली मेंशन किया अश्विनी जोशी का ऑर्डर है बोल के, इसमें क्लियरली लिखा इलीगल स्ट्रक्चर के लिए, एयरपोर्ट का इलीगल स्ट्रक्चर के लिए बात की, ये पेपर पकड़ के हम लोग 351 दिया। तो उसको ऑफिसर को हम लोग बोला ये इनलीगल नहीं है, दैट इज लीगल स्ट्रक्चर है, ये 1961 का, ये प्रायर टू 1961 का नहीं, 1960 प्रायर टू 1961 जो बीएमसी का हमारे पास पेपर है उसके हिसाब से ये प्रायर टू 1961 का असेसमेंट। ये देखिए ये पेपर है 1961 का प्रशासन ने दिया, तो उसको ये पेपर दिखाया। देन हम लोग क्या बोला, हम लोग तुम बोला एयरपोर्ट अथॉरिटी के बात करता है, ये तो बीएमसी ने दिया, इट इज में क्लियरली लिखा इट इज इन द I3 हेवी इंडस्ट्रियल जोन, इट इज नॉट पब्लिक यूटिलिटी के लिए नहीं है, इंडस्ट्रियल के लिए, इसमें कोई एयरपोर्ट का प्रॉपर्टी नहीं है, इसमें क्लियरली लिखा, ये भी पेपर उनको दिया। शेट्टी साहब, आखिरी सवाल आपसे लेंगे, क्या लगता है कि महानगर पालिका किसी के दबाव में काम कर रही है? श्योरली वो तानाशाही है, बिल्कुल तानाशाही है, कोई सुनवाई नहीं है उसके। नगर पालिका हमारा पास या फेवर करता है, ये नोटिस मिल गया, ये नोटिस के सामने हम लोग जवाब देता है, एविडेंस देता है, फिर उसका बाद में वो अभी उसका बाद में जनवरी में 12 तारीख को और एक नोटिस देता है, वही नोटिस का कॉपी, उसमें बीएमसी ने कैविट फाइल कर देता है पहला, हम लोग कोई कोर्ट में नहीं गया, बीएमसी ने पहले कोर्ट में कैविट फाइल करता है, मतलब ये आपको अब देख ले कैविट फाइल है इनको कहीं से भी बीएमसी नहीं, बीएमसी का लेटर है ये देखो, ये कैविट फाइल है, इतना इलीगल काम चल रहा है, इतना कभी भी वो ऐसा बीएमसी एक्ट नहीं करता है, तो इसका मतलब है कि किसी दबाव अल्टियर मोटिव के साथ वो काम किया जा रहा है। तो अगला कदम आप लोगों को क्या होगा भाई? अगला कदम हम लोगों के पास, हम लोग जो आया इधर की बीएमसी का जो म्यूनसिपैलिटी का डिप्टी कमिश्नर है उन्होंने बताया, तो बोलते डिप्टी कमिश्नर पहला क्या बोलता है, नहीं अभी आप लोग 1962 का पे रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग बोला 1962 क्या है बोल के बोला, फिर वो बोलते वार्ड में जाके, वार्ड में जाओ बोला, वार्ड में जाएगा तो वार्ड वाला बोलता हम लोग देखेंगे, हम लोग करते हैं ऐसा, हम लोग स्पीकिंग ऑर्डर निकालेगा। अगर हमारे पास इतने वर्कर काम कर रहे हैं और बीएमसी का अप्रोच ऐसा दिख रहा है कि वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं कि तोड़ दें, तो हमें आगे का प्लानिंग करने में, वर्कर का एम्प्लॉयमेंट का ऑर्डर लेने का, सब चीज़ों में अनसर्टेनिटी आ गई। आज की डेट में नौकरी देना किसी को कितना मुश्किल काम है और रोजगार चलाना कितना मुश्किल काम है, शायद सब आप लोग को मालूम है। आज जितने लोगों को यहाँ रोजी रोजगार चल रहा है उसके ऊपर भी बीएमसी को क्या था कि इसको कुछ होना चाहिए, कुछ तो हमें उनसे यह है कि हमारे खिलाफ कुछ सहानुभूति बीएमसी की जो होनी चाहिए कि भाई उनको भी बचा के चलें कुछ ना कुछ, ये कोई नया स्ट्रक्चर तो हमने बना नहीं लिया है कि 2 साल में बना लिया, 3 साल में बना लिया, जो चीज़ 30 साल 40 साल 50 साल से चल रही है वो रातों रात इलीगल कैसे हो सकती है? आप लोगों ने देश के राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कहते हैं आम आदमी का मुख्यमंत्री, आप लोग कभी मिले नहीं, हम लोग उसके पास लिंक नहीं मिला ना, किसको जाने के पास, आम आदमी के पास कहाँ लिंक होता है, कहाँ लिंक के पास जाने के लिए हम कहाँ जाएँ, अभी हम आपके थ्रू हम अपनी आवाज़ उनके पास पहुँचे।
बातम्या पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉन प्रेस करा आणि सर्वप्रथम नोटिफिकेशन पहा तुमच्या मोबाईलवर.